हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के हो गए हैं 7:30 और हम अब उठ चुके हैं। और सुबह उठते ही मैं आ गई हूँ अपने रूम में ऊपर, अपना नहाने धोने के लिए और कोलगेट करने के लिए। बाकी उससे पहले मुझे करनी है थोड़ी सी योगा, तो मैं फटाफट अपनी पहले योगा पूरी कर लेती हूँ। बेसिक थोड़ी सी योगा करती हूँ, ज्यादा कठिन नहीं। तो उसमें मैं सबसे पहले करती हूँ बटरफ्लाई। आप भी क्या करो सुबह उठ के, अच्छी रहती है। मतलब जितना अपने शरीर के अकॉर्डिंग आप कर सको उतना करना, एकदम से ज्यादा नहीं करना। तो मैं योगा करती हूँ, अपने पैर ऐसे पूरे टच होने चाहिए, तो बोलते हैं बटरफ्लाई आसन। योगा फिट रहने के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज आप भी कर सकते हो ऐसे ऐसे। मैं हर एक्सरसाइज मतलब 4-5 एक्सरसाइज 10-10 मिनट के टाइम के अकॉर्डिंग करती हूँ। तो मैं पहली एक्सरसाइज मेरी ये रही। कल रात में है ना बहुत ही मोटे तकिए पे सो गई, तो उसकी वजह से मेरे ना गर्दन में दर्द हो रहा है और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जा रहा है दर्द। तो अगर आपके पास इसका कुछ इलाज हो तो वो बताओ। ऐसा हो रहा है जैसे सर्वाइकल का पेन होता है ना, वो वाली चीज फील हो रही है। जैसे सर्वाइकल के मरीज एक्सप्लेन करते हैं ना अपनी ये वाली तकलीफ को, मेरे को सेम ऐसी लग रही है। वैसे है नहीं सर्वाइकल, बाकी मेरे को पता है किस वजह से हुआ है, मोटा तकिया लगाने से। जब भी मैं मोटा तकिया लगाती हूँ ना तभी ये हो ही जाता है मेरे को। तो अभी 2-3 दिन तो हो ही गए हैं, अकड़ रही है गर्दन और कुछ सर्दी भी है, तो उसकी वजह से ना ऐसे वोमिट जैसा फील भी हो रहा है और इधर से ऐसे दर्द भी आ रहा है। तो मैं फटाफट अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, आप भी करो मेरे साथ। यहाँ मुझे आ रही है मम्मी की आवाज ऊपर आने की, और वे मेरा गर्म पानी करके लेके आई हैं। गर्म पानी हमारा वहाँ सामने घेर में होता है चूल्हे पर, इतने लाइट नहीं आती। देखो भाई मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पानी तेज हो गया? बिल्कुल बहुत तेज। चूल्हे पे वैसे भी बहुत तेज हुआ है। ये लूसी भी आई है साथ में। ये लूसी तो मम्मी तुम्हारे पीछे पीछे है वे, इससे कहीं चैन नहीं है। लूसी वहाँ बैठ जा। ऋतिक भैया कर रहे हैं घेर की सफाई, जो लोहरी वाले दिन गंदा हो गया था। हेलो मम्मी, क्या करना पड़ रहा है? इसमें मूंगफली निकलेगी, लूसी को दे दियो, लूसी खा लेगी। अब इस राख को भी उठाओगी? राख उठाओ, राख ऐसी पड़ी रहेगी। अच्छा बारिश आ रही है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या मेरी तरह आपके माइंड में भी सुबह उठे ये वाला सवाल घूमता है कि भाई? मेरे माइंड में दो सवाल बहुत घूमते हैं सुबह उठते ही, भाई नहा के एक तो कपड़े क्या पहनने, इसमें मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है मुझे। मेरे पे कपड़े इतने सारे हैं लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है मेरे पे कपड़े नहीं है। तो दूसरा एक ये है कि नाश्ते में क्या बनाऊं, शाम के टाइम सब्जी क्या भी रहता है। तो देखो भाई पूरी रैक बड़ी पड़ी है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं पहनूं क्या, फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं नए कपड़े ले आऊं और कपड़े खरीद लूं। ये ना मेरे को संगवाने भी भारी हो जाए, मतलब मेंटेन करनी अलमारी अपनी इतनी ज्यादा टफ पड़ जाती है कि भाई क्या ही करूं इतने सारे कपड़ों का। पर लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं बहुत देर होगी मुझे बकवास करते हुए, तो मैं जल्दी से अब नहा लेती। देखो भाई मैं नहा के तो आ गई हूँ, बाकी मैंने कपड़े तो निकाले थे कुछ और पहन के कुछ और आ गई। बूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जिस छोरा कोई लंदन गला में तो साहा पंगा, ये सूट मेरा। लाइनर लगाना भी अपने आप में एक टास्क है, मेरे से एक आंख में तो ठीक लग जाता है। ये देखो जैसे कि हाँ तो लग गया आज, दफरी तो छूटेगा भी नहीं, छूट तो गया। तो ये देखो एक आंख में तो ठीक ठाक सा लग गया, बाकी दूसरी में कोशिश करती हूँ लेकिन गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा सा निकल गया है बट कोई बात नहीं, इसमें मोटा लग गया थोड़ा सा, इसमें विंग्स वाला है, इसमें अभी एक लेयर और बनानी, एक लाइन और बनानी पड़ेगी। पता है क्या हो जा रहा है, जैसे मैं शीशे में देख रही हूँ मेरी नाक की सांस है ना इस पर भाप जम जाती है, तो मेरे को धुंधला धुंधला दिखने लगता है, बाकी ठीक ठाक सा तो लग ही गया है। बाकी हम रोज अपने आप प्रैक्टिस करते तो आने लगता है, गर्ल्स सीख लो, मतलब अगर किसी पर डिपेंड ना होना हो तो सीख लो। ये लो ये हो गया, और अब ये लिपस्टिक। अब क्या रह गया? मांग बनी। ये साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जिससे कोई छोरी खिलवाई का। अब तो खिलवाई करके नहीं पड़ेगी, अब तो मैं खिलवाई में आ गई ना, छोरी मक्खनपुर की छोरा खिलवाई का। ओके डन, बाल बाल कर लेती हूँ सेट अप। लो भाई नहा करके तो फाइनली मैं तैयार हो ही गई हूँ। बाकी अपना लुक आज का ये है, नाइट सूट विद एक चोटी और टोपा मेरा अंदर रह गया है,
को ओढ़ लेती हूँ क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है और आज सर में भी दर्द है हल्का हो गया है, मतलब नहीं तो रात तो काफी तेज था। बाकी अब हो जाएगा ठीक। अपना ये टोपा, अभी व्लॉग्स में आपने मेरा ये टोपा जरूर देखा ही होगा। पूरी सर्दी ये टोपा तो उतरने वाला नहीं है भाई मेरे सर पे से, मुझे लगती है ठंड ज्यादा है। और सभी व्लॉग्स में मैं देख रही हूँ कब से, काफी टाइम से मैंने इसी टोपे में सारे व्लॉग बना रही हूँ। ये टोपा जरूर रहता है मेरे टांग पे। तो भाई अभी मेरे ना माइंड में कुछ करने का मन कर रहा है अपनी सासू माँ रविता मम्मी के लिए। मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं उनका आज पेडिक्योर करूँ। तो वैसे तो मम्मी मुझसे पैर भी नहीं दबवाती, पर मैं आज कोशिश करूंगी कि वो मुझसे करा ले। मेरा मन खुद ही कर रहा है मैं उनका पेडिक्योर करूँ। और बाकी मैं गर्म पानी तो रख के आ गई हूँ, और जो जो मेरे पास घर में सामान है ना तो मैं उसी के इस्तेमाल से कर दूंगी। और बाहर तो पार्लर में काफी पैसे लेते हैं इसको करने के लिए, सबको आप सबको तो पता है जिसने कराया होगा। बाकी घर पे भी कर ही लेते हैं नॉर्मल सा, तो अपने घर के सामान से, जैसे कि नेल रिमूवर हो गया, नेल पेंट हो गया, और गर्म पानी से धोके अच्छे से साफ करके। तो मैं उनको देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, पहले तो वो कराएंगी कि नहीं, पहले तो वो मानेंगी ही नहीं, उनको मनाना पड़ेगा इस चीज को, तो देखते हैं कैसे। तो भाई देखो मैंने ये पेडिक्योर का सारा सामान अपना तैयार कर लिया और दुकान भी खोल लिया। बाकी मम्मी यहाँ है नहीं, और जब मम्मी आएंगी ना तो उनका रिएक्शन देखना आप कैसा रहेगा। मैंने उनको बताया नहीं है, अभी पता नहीं कहाँ गई हैं। तो मैंने अपना सारा सामान रेडी कर लिया है, ये रखा, और गर्म पानी भी हो गया मेरा तैयार। तो जब मम्मी आ जाएगी तो मैं उनका आज पेडिक्योर शुरू करूँगी। यहाँ देखो मम्मी की आवाज़ तो मुझे आ ही रही है, ये आ गई मम्मी। मम्मी देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या दुकान लगाई है। ठंड हो रही है बहुत। नहीं है ना, तुमने तुम्हें पता भी क्या है? हाँ, क्या है? पैर धोएगी मेरे, तुम्हें पता लग गई? हाँ, मुझे सामान देख के पता चल गया। सामान देख तुमने पहले कभी करवाया होगा? पहले करवाया? मैंने कभी ना करवाया, पर तुमने देखा होगा कहीं। मैंने देखा ऐसा तो मैं, मेरा मन क्या बच्चे कर रही हैं आजकल, है मेरा मन है पेडिक्योर कराने का तुम्हारा। अरे मेरा तो जाडे मरवा, वैसे ठंड हो रही है बहुत। एक तो तुम्हारी एडी साफ कर रही हूं, बड़े कर रही हो। अब बढ़िया बैठ जा, चुप, मुझे परेशान कर आई हूं। अब बढ़िया बैठ जा, चुप, कहां कहां बैठ रही हो? ना बैठूं, आज तो डांट लगा दी मैंने। लो भाई भैया पकड़ियो थोड़ा सा मेरा कैमरा, और लूसी को भगाओ, मैं जल्दी कर रही हूं। गेट बंद कर दिया ठंडा ना, और ये मुझे जाडे लगे हमारे लिए गर्म पानी में लगने की है। बड़ा बंद कर दो, ये मेरी एडी साफ कराया था ले बहुत गोबर भरा है, गोबर है। मैंने सोचा ऐसा कुछ थोड़ा सा प्यार बढ़ाऊं, ठंड में मर जाऊंगी, थोड़ा सा करवा दो। चलो मैं ऐसे ना अपनी मम्मी की भाभी की सबकी कटदगड़ी पकड़ते हुए भी मना कर रख लिया ऐसी, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। कभी कभी कर्ज भी लेना चाहिए। मेरे साफ हो रहे हैं, देखो मेरे पैर साफ है। देख लो भाई, अभी देखो, अभी देख लो कितने गंदे हो रहे हैं, और बाद में देखना कितने साफ हो जाएंगे। करवानी चाहिए तो करते रहनी चाहिए। पानी भर रही हूँ मम्मी, मोटर नहीं चलाएगी क्या? मोटर ना चलाएगी ना, आज ना चलाएगी मैंने मोटर। अरे मम्मी फिर फोन में लाइट नहीं चलाएगी। आ रही है, ठंडा रोशनी नहीं आएगी, दिखेगा रख रहेगी मम्मी। जिस तौलिए पे तुम बैठे हो ना, ये मेरे काम का है। ले बताई तोले वोट सड़ा एक सफेद सफेद भाई को ना, एडी तो चमकी जाएगी। क्या चमकनी? एडी हो ना, चमकी बड़ी है मेरे, देख भाई। एक बुढ़ी हो तो करवाना भी ना था, मतलब कुछ साफ ना ना है साहब, गोबर भरा पड़ा। अरे भैया कैसा जाता है देख लो, मेरा तो ऐसा मन करा बस तू एडी साफ ना करवा के ना, आराम से बधाई मिले जी। तो मैं गिरा देते और ठंडा ठीक है। हां ठीक है, बिल्कुल तेज गरम तो नहीं। हां ना जरा पट दो, सलवार ऊपर करो थोड़ी सी, मेरा खुद हाथ निकालने को मन ना कर रहा है। सानू का ब्याह होने वाला, कर दे मेरे भाई। देखे कितनी बुरी एडी हो रही, कितना मैल फूल का। रोज करेगा चो, रोज करा करो। अभी तो मैं पहले उसमें वीडियो में अपनी मम्मी ना करवा। चलो ठीक है, कर दे। गुदगुदी हो गए? हाँ कोई बात ना, थोड़ी देर होगी। मम्मी रुक तो जाओ, नहीं तो हो गया। हाँ बुरुस लगा ना, हो गए। बताई इतनी जाडे में बोगो का क्या काम है, इतनी आप पैसा बाहर हो रहे हैं, ये पैर साफ करने गए। मम्मी दर्द तेज हो तो बता दियो, इतनी आप पैसा हो गए। पिंक पिंक भी हो गए। लो अब इस पानी को चेंज कर दो, उठाओ मम्मी। देखो कितना गंदा हो पानी, देखो भाई। कभी कभी सासू माओ की केयर कर देनी चाहिए, मम्मियों की भी करते हैं ऐसे, सासू माओ की भी कर देनी चाहिए। तो
मम्मी तो मम्मी हो, सासू सासू हो, मम्मी ऐसी करती हूँ, मम्मी मना करा करी, मैं करवा करी, मैं तो करवा दूँ, मेरी भी करा करी मम्मी, तो रे तो बस अब ठीक है, ओके बस। वो कहाँ है नेल घिसने वाला, दिखाइयो नेल कटर है मम्मी? ना तो ऐसे करे जाए दुल्हन बन गई। बनू मैं तेरी दुल्हन मम्मी? इन्हें साफ करा करो, ये सुंदर हो जाएंगे पैर। सुंदर नहीं है मेरे पैर, मोड़नी जैसे। ओह मोरनी जैसे, मोरनी तो गंदे हो है, मोर के पंख सुंदर हो, पैर तो गंदे हो, गेंजों क्या कबूतर जैसे सुंदर पैर, कबूतरी मम्मी उल्टा बोल गई। मम्मी ठंड मान रही है, मम्मी एक तो गर्म पानी है कितना सुंदर, ठंड ना है करने वाले को तो लग ना रही, करवाने वाले को लग रही है वो ऐसा। चलो भाई इसका मैं पूछ देता हूँ, इधर रख इसके ले लो जी। मैडम कितने पैसे दे दोगे आप? 500 रुपए। 500 रुपए दोगे? यू सही है भाई, थोड़ी देर के लिए ऐसे पानी में डुबो दिया, सर्फ का पानी घोल दिया, पैसे नहीं है मां के। और कहां से? घर के गोदाम में से। नहीं बोलो यार, ये रेट निकल जा ठंड में बोलते हो, रेट ऊपर इधर ही गोदाम में ना। और ये देखो भाई ये क्या है, ये है नखून साफ करने वाली शीट। ऐसे दिन मैं पकड़ू तू लाइट रख के यहां है। अरे नहीं मम्मी, अच्छा मैम को पैसे देने की जल्दी हो रही है, कह रही पैसे लिया वहां रखते हैं। मैम को डर और चार्जना पड़ जाए हैं, मैम को डर और चार्जना पड़ जाए। हां मैं सोच रही हूं पहले से पहले पैसे देके निकल लूं। देखिए कितने सुंदर पैर हैं, और ज्यादा सुंदर हो गए तो ठीक हो जाएंगे। अभी है ना मम्मी एक डेढ़ हफ्ते में ऐसे करवाते रहना चाहिए। अच्छा नींबू और रगड़ लेते, नींबू फिर टकरी ये भी डाल सकते हो घर पे अपना खुद का बना सके। अब तो मम्मी पार्लर में तो इतने महंगे महंगे कर रहे हैं, बहुत महंगे और कई तरह के आ गए आप तो, ऐसे जेल वाला ये वाला वो वाला। मैंने तो अपनी शादी में जेल वाला करवाया, वैसे अच्छा काम है यू भी, पैसे कमाने का अच्छा जरिया है अगर किसी को आ जाए तो, है ना? ताई को सिखाएंगे, ताई को सिखाएंगे, ताई को कुछ नहीं सीखना, ताई जी की तो बड़ा पागल है, बहुत सेवा कर रही है। मैं दूहे की बहू कर रही है, फिर आते मेरी तुम्हारी है ना, ना करन दे मैं ना करवा मैं, ओ मेरे तो टावल गिला होगा। मैं नेल पेंटी वाली चलेगी? चलो चला दो इसे ना, पहले तो लोशन लगेगा भाई, लोशन लगा अभी थोड़ा ना सीखता रहा भाई, सीख रही हूं मैं हर चीज सीख रही हूं, जैसे कल पिज्जा बनाना सीखा, कभी गस्यारे बन जाऊं, कभी मैनीक्योर पेडीक्योर। देखो मम्मी स्मूथ हो गए एकदम, अब इन्हें करवा के ना जुराब पहन लियो बढ़िया सी, और निकाल लियो मत ना, एडी में लगा दो, एडी में ज्यादा हो गया है ना, एडी तो मेरी साफ है। मैम आपको कैसे लग रही है हमारी सर्विस? बीच बीच में प्लीज हमारी तारीफ करते रहे तो हमारे और भी अच्छे हाथ काम करते रहेंगे। अच्छा हम जाडे मर रहे हैं, जाडे हमारे हाथों में युवारिया गरमाई, देखो एकदम सुंदर ब्यूटी वाले पैर हो रहे हैं। मम्मी खोलियो, मैम खोलना से भूल जाओ मम्मी, मैम बस बस वो ये सुखी पहले वाली छुट्टी नहीं है, ठीक से पक्की है ना एकदम, तो मैंने उसी के ऊपर लगा दी, बट कवर हो जाएगी। मैनीक्योर पेडिक्योर, पेडिक्योर ये वैसे पैर वाले को पेडिक्योर बोलेंगे ना शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, पेडिक्योर ही बोलेंगे। चलो जीते रहो बने रहो, तुम ना हमारे पैर सही करे हैं, सुंदर हो गए मम्मी, सुंदर हो गए, तुम्हारा काम बढ़िया चलेगा। अब सॉक्स पहन लो, बड़ी बुड्ढी ऐसी ऐसी देख रहा है। उसका व्लॉग होता है यहीं पर समाप्त, सासू माँ की सेवा करते हुए। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले, कमेंट नहीं कर रहे हो आजकल, कमेंट कर दिया करो।